ये सिंदूरी सिला है। अच्छा देखो, कन्हैया जी ने यही राधा रानी की मांग भर दी। देखो भैया, सेम ओजगर जी सिंदूर निकल रहा है, ये कन्हैया जी का पैर है, यही से कन्हैया जी ने बंसी बजाई थी। अच्छा। 7 दिन 7 रात बरसात हो रही तो कन्हैया जी बोले कान से बंसी बजाऊं, तो यहीं से बजाई थी। ये राधा रानी का पैर है। कन्हैया जी 7 वर्ष के थे, राधा रानी 5 वर्ष की थी। अच्छा, भगवान ने ढोलक बजाई राधा रानी के संग में आए के। देखो भैया, ऐसे बजाई थी ढोलक। ये ऐरावत हाथी का चरण है। अच्छा, आगे का पैर। हाँ, ये पूरा आगे का पैर है, इतना बड़ा। अच्छा, जय जय श्री राधे। मैं विकास जंगम, आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण के पैर के निशान और श्री राधा रानी के पैर के निशान और जो सुरभि गाय थी उसके दूध की धार के निशान और काफ़ी सारे चिन्ह दिखाने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण के और कान के निशान और जो शिला थी सिंदूरी शिला, वो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और आज आपको मैं वो भी दिखाने वाला हूँ जहाँ पे जब इंद्र भगवान ने 7 दिन 7 रात बारिश की थी और फिर जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने एक अपनी इस छोटी वाली उंगली पे उठाया था, आज मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। और जहाँ पे फिर भगवान इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए 56 भोग का भोग लगाया था, वो आपको मैं जगह दिखाने वाला हूँ किस जगह वो भोग लगाया गया था। तो चलिए चलते हैं। तो ये पूरा पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ गोवर्धन पर्वत है। ये देखिए पूरा गोवर्धन पर्वत है ये, और ये बहुत बड़ा था पर इसको शराब लगा हुआ है। ये हर रोज़ 1 तिल के बराबर घट जाता है। इसको किसी ने शराब दिया था, किसी महारथि ने, कि ये हर रोज़ 1 तिल घट जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है और जंगल टाइप का बना हुआ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही शांति है यहाँ पे। और ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के टाइम के ये पेड़ हैं, ये बिल्कुल सूख चुके हैं और ये आज भी मौजूद है, पर इनको कोई हिला नहीं सकता है, इतने मजबूत पकड़ बनाई रखी है इन्होंने। और ये देखिए काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पे। एक पेड़ वो रहा, ये भी पुराने टाइम का ही है, काफ़ी साल पुराने पेड़ हैं। एक पेड़ ये रहा, बताते हैं ये 5,000 साल पुराने पेड़ हैं। तो चलिए महाराज जी से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। तो राधे राधे महाराज जी। ये 56 भोग की जगह न्याय इंद्र ने स्वयं गिरिराज जी की पूजा करी है। अच्छा। ऐरावत हाथी श्यामकरण होगा सुरभि गाय लेके उनने यहाँ अभिषेक किया है। अच्छा। तो क्षमा आस्था मांगी है, तो यहाँ 56 भोग हुए हैं, तो यहीं आके हमारे ब्रज में जो भी आता है भक्त वो 56 भोग लगाता है। अच्छा। तो ये सुरभि कुंड ऊपर बोलते हैं, इस स्थान का नाम है सुरभि कुंड इंद्र पूजा। तो यहाँ पे इंद्र भगवान ने पूजा प्रसन्न किया, मतलब माफ़ी मांगी थी। अच्छा, चलिए आगे चलते। जय। और यहाँ पे निशान भी बताते हैं लोग बाग। हाँ, निशान भी हैं, कृष्ण भगवान के शिला है। अच्छा। कृष्ण भगवान का पैर है, चंद्रमा है, जसोदा मैया से मांग रहा हूँ अपनी से, मैया वो चंद्र खिलौना है। अच्छा। वो भी है, सब चीज़ दिखाएंगे आपको। चलिए अब हम गिरिराज जी ऊपर चढ़ रहे हैं। जय गिरिराज जी महाराज की जय। ये क्या है महाराज जी? ये सिंदूरी शिला है, यहाँ राधा रानी ने स्वयं आके अपने किस कन्हैया जी से कह रही है। अच्छा। कि किस भगवान बोले कि राधा रानी तू पूरा श्रृंगार लेके आई। अच्छा। पर तू सिंदूरी शिला नहीं लाई। अच्छा। मांग भर के आई नहीं, रीति चली आई। अच्छा। कहाँ पे मांग भरूँ? हाँ। तो गिरिराज जी में उंगली से लेके उनने घिसो तो ये सिंदूरी शिला है। अच्छा। देखो कन्हैया जी ने यही राधा रानी की मांग भर दी। देखो भैया, सेम ओजगर जी सिंदूर निकल रहा है, यहीं आके सब ब्रजवासी सब गोपी सिंदूर भरते हैं, आज भी भरते हैं यहाँ पे। चलिए हम भी करके देखते हैं एक बार। ये देखिए मेरी उंगली बिल्कुल साफ है और ये देखिए, बोलो राधे राधे। चलिए अब क्या दिखाने वाले हो पंडित जी आप? अब दिखाएंगे एक कन्हैया जी मांग रहे हैं अपनी मैया से। अच्छा। क्या मैया वो चंद्र खिलौना दे। चंद्र खिलौना। हाँ, तो बेटा चंद्र खिलौना काय को दूँ। हाँ। एक दीवला लियो, दीवला में थारी में पानी भर के और दीवला धर के दिखा दियो। अच्छा। ले बेटा चंद्रमा। चंद्रमा जसोदा मैया ने अपनी लाला को दे दियो, तो देखो ये चंद्रमा ये
ये देखिए आपको ये चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा, ये है चंद्रमा, यही दिखाया था यशोदा मैया ने, यशोदा मैया ने लाला को दिया है। अच्छा लाला को गिफ्ट दिया है। जी गोपेश्वर महादेव है। अच्छा ये गोपेश्वर महादेव प्राचीन। जी गोपेश्वर महादेव है। जब बलदाव जी चंद सरोवर पर महाराज देखो, अच्छा तो गोपेश्वर को और शेर का रूप धारण करके जब महाराज चंद सरोवर पासोली में देखो, अच्छा। तो इनको नाम पर गो लुकलुक दाऊ जी, ये बेजकंदला में बैठ के दाऊ जी अपने महाराज के दर्शन देख रहे हैं। अच्छा तो इनका नाम है दाऊ दादा। दाऊ दादा, चलिए। और ये पूरा पर्वत गोवर्धन पर्वत ही है। हाँ। कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? जे 21 किलोमीटर लंबा। अच्छा जे दही माखन का कटोरा है। अच्छा दही माखन का कटोरा। हाँ। इसमें दही माखन खाते होंगे भगवान। हाँ, जे दूध की धार है। अच्छा ये धारा, ये धारा है और ये दही माखन कटोरा, इसमें माखन मिश्री का भोग आज भी लगता है गिरिराज जी की तरेटी में, हमारे गिरिराज मुकारबंद जतिपुरा। अच्छा आज भी भोग लगता है इसमें। अच्छा वो ही ये कटोरा है माखन मिश्री। माखन मिश्री का कटोरा देखो। हाँ। जी गाय का खुर है, जी अगला है, जी पिछला है। अच्छा ये गाय का आगे का खुर है, ये गाय के बछड़े का है, अगला है और पिछला है, दो पैर हैं। ये पीछे का है, कौन सी गाय का है? अच्छा ये सुरभि गाय की। सुरभि गाय की। अच्छा और ये कन्हैया जी का पैर है। अच्छा ये हाँ फिर के दिखा करो आराम से। हाँ हाँ ये कन्हैया जी का पैर है, यही से कन्हैया जी ने बंसी बजाई थी। अच्छा। सात दिन सात रात बरसात हो रही तो कन्हैया जी बोले कान से बंसी बजाऊं, तो यहीं से बजाई थी। अच्छा यहीं से। हाँ। अच्छा ये वो जगह है। ये सुरभि गाय का खुर है। सुरभि गाय का खुर। ये सुरभि गाय का खुर है, कैसे ऐसे ही है? ऐसे ये ऐसे है। अच्छा ये हनुमान जी लंका में जा रहे हैं। अच्छा ये हनुमान जी, ये हो ये हनुमान जी लंका में अंगूठी देके जा रहे हैं। अच्छा अंगूठी देके जा रहे हैं। अब हम चलेंगे अभी किसनी शिला पे। अच्छा किसनी शिला पे चलिए दाऊ जी। हाँ। अब आपको लेके चलते हैं किसनी शिला पे। किसनी शिला, किसनी शिला यहाँ से कृष्ण भगवान जी भव सागर से पार हुए। अच्छा देखो भैया ये शिला है, यहाँ से कन्हैया जी पार हुए तो ये दो अंगूठे के निशान है। देखो जी निशान दिखाइए अंगूठे के। देखो ये अंगूठे के निशान है, यहाँ से ये दो बने हुए हैं और ये उंगली बनी हुई है जो भगवान जी ऐसे पकड़ के उठे। देखो जे उंगली है भैया। अच्छा ये निशान बने हुए उंगलियों की। जो यहाँ गिरिराज जी में आएगा। अच्छा गिरिराज जी शिला पे बैठ के वो खिसलेगा। हाँ। वो भवसागर से ही पार हो जाए। अच्छा भवसागर से ही पार हो जाए। ये वो शिला है। अच्छा और ये अंगूठे के निशान है। जे अंगूठे के निशान, पैर के अंगूठे। अच्छा चलिए और अब क्या दिखाने वाले हो? अब ये लुकलुक दाऊ जी ब्रज कंदला में बैठे हुए हैं। अच्छा दाऊ जी महाराज का दर्शन करेंगे। हाँ जी प्राचीन मंदिर है दाऊ जी का। अच्छा बहुत प्राचीन मंदिर। तो आइए अब आपको कराते हैं हम लुकलुक दाऊ जी के प्राचीन मंदिर के दर्शन। ये शंख है, पल दाऊ जी ने जब अपना बजाया था। अच्छा ये वो शंख है। देखो बनना है, देखो दिख रहा है ना। हाँ हाँ शंख दिख रहा है। चलिए देखो भैया जे लुकलुक दाऊ जी हैं, जे लुकलुक दाऊ जी हैं, जे ब्रज कंदला में बैठे हुए हैं, ये दो पैर हैं, ये छाती है, ये मुख है, ये मोच है, ये नेत्र है, ये माथा है, ये ऐसे कंदला में सो रहे हैं। हाँ। सो के चंद सरोवर पासोली गांव में महाराज के दर्शन किए तो यहाँ से लुक लुक के छुप छुप के तो इनका नाम पड़ गया लुकलुक दाऊ जी। लुकलुक दाऊ ये कंदरा में बैठे हुए हैं। यहाँ जो आता है खीर का, बांग का और तुम्हारे माखन मिश्री का भोग लगता है और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं दाऊ दादा। बहुत सच्चे देवगाता हैं
और ब्रज कंदरा में से ही इन्होंने महाराज चंद्र पासोली गांव में देखा तो इनका नाम पड़ गया लुकलुक दाऊ जी। अच्छा जी, इनकी घरवाली हैं रेवती जी, ये जी इनकी घरवाली। क्या नाम बताया आपने? रेवती जी। रेवती जी जे रेवती जी है, दाऊ दादा की पत्नी है। अच्छा। रेवती जी तो जे यहाँ बैठी हैं और ऐसा महाराज हुआ सामने देखो, सामने दिख रहा है जो पूरा महाराज दाऊ जी में ऐसा हुआ ये पूरा महाराज। ये तस्वीर है मतलब उस डिजाइन बनाए गए इस तरह से ही महाराज हुआ था है। तो इन्होंने यहाँ से देखा था ये। ये संजय को जो महाभारत में दिए थे दया दृष्टि के लिए, ये नेत्र किसको दिए थे? संजय को महाभारत में दया दृष्टि के लिए दिए थे। अच्छा, तो जो नेत्र बने हुए हैं देखो, गिरिराज में कोई बना सकता नहीं है, अपने आप कटीले नैना है। अपने आप कटीले नैना, सही बात है। एक बार और देखा ना। अच्छा, तेरु श्रृंगार फीको है। हाँ। देखो ये बिंदी है, ये टीका है। हाँ। ये हार है, ये माला है, ये पूरा सफेद है का, ये 16 श्रृंगार राधा रानी के। अच्छा, तो यहाँ राधा रानी धर दिए। ये देखो शेर सिंह बैठा हुआ है सामने, ये वाला है। हाँ। ये लग भी रहा है सिंह की तरह। हाँ। पूरा ऐसे बैठा है भूरे बालन से एकदम झुक झुक के एकदम। हाँ। चलिए अब क्या दिखाने वाले हो आप हमें? अब दिखाएंगे राधा रानी का पैर। राधा रानी का पैर। हाँ, बरसाने वाली का। बरसाने वाली राधे। चलिए आपको दिखाते हैं राधा रानी का पैर। और पंडित जी बहुत मदद कर रहे हैं हमें यहाँ पे दिखाने में, और बहुत ही अच्छी जगह है ये। पूरा 21 किलोमीटर लंबा है जी बाबा। पूरा 21 किलोमीटर लंबा। कन्हैया जी ने बंसी बजाई तो गाय पूरी इकट्ठी हो गई। अच्छा, इसी पे ये राधा रानी का, ये राधा रानी का पैर है। कन्हैया जी 7 वर्ष के थे, राधा रानी 5 वर्ष की थी। अच्छा, तो बरसाने से किशोरवान जी आ रहे थे तो राधा रानी बोली मैं कहाँ जाऊँ, तो वो अपने गिरिराज जी में रूस के आ गई तो गिरिराज जी में पैर रखो, तो यहाँ पे अपनो पैर रख दियो। तो ये नहीं कहिए जो राधा रानी को पैर है। जो कन्हैया जी यहाँ लेट गए, ये कान है, बंसी बजाते भाई यही राधा रानी बगल में कन्हैया जी लेट गए। अच्छा, राधा रानी यहाँ खड़ी थी। हाँ, और यहाँ कन्हैया जी लेट गए। अच्छा, ये कान रख दिया। ये 7 दिन 7 रात बरसात के निशान है देखो भैया, ये पूरा दिख रहा है ना छेद से। हाँ, ये छेद छेद से दिख रहे हैं, ये दिखाइए। ये देखो आराम से बनाओ, बढ़िया बनाओ, एकदम देखे भी आ रहा हूँ के यहाँ के बढ़िया बनाओ। ये जब 7 दिन 7 रात बरसात हुई थी तब के निशान है ये सारे हैं। इतनी तेज बारिश हुई थी कि निशान पड़ गए। अरे भैया ये ढोलक है, मैं ढोलक बजाई राधा रानी के संग में आए के। देखो भैया ऐसे बजाई थी ढोलक। यहाँ कहीं भी नहीं है देखो। हाँ सही है, यहाँ देखो बजा तुम भी। यहाँ कृष्ण भगवान ने ढोलक बजाई थी राधा रानी ने। अच्छा। और कृष्ण भगवान ने जोड़ा से आए थे तो राधा रानी ने बजाई, कृष्ण भगवान ने बजा के दिखा दी, देख गिरिराज जी में ढोलक है। अच्छा, तो ये गाजनी बाजनी सलाह हमारे गुजराती में बोले। अच्छा, इतने भी गुजराती हमें सब गुजराती बोले गाजनी बाजनी सलाह। अच्छा, तो ये ढोलक नहीं बोले गाजनी बाजनी, हमारे ब्रज भाषा में बोले ढोलक। ढोलक सही। जय दूध की धार है। कौन सी? देखो ये सफेद वाली। अच्छा, ये हाँ, ये दूध की धार है। हाँ। ये तो मंदिर की तरफ जा रही है जो। हाँ जी, इधर भी है ये तो। और जे बलदाऊ जी का आता है यहाँ हाथ पहुँच दिया बलदाऊ जी ने। अच्छा, यहाँ हाथ पहुँचा था दूध की धार। देखा ये दूध की धार है।
ये बलदाव जी का हाथ है और ये दूध की धार है। देखो अब लंबी खूब देख लू, कोई बना सकता नहीं है जिनने, कोई नहीं बना सकता। सही, ये कुदरती लीला है, ये गिरराजा हुआ है, इस पर कोई भी एक औजार नहीं रख सकता है। ये वहाँ मंदिर तक जा रही है, सामने वाले मंदिर तक है ना, और वहाँ से आ रही है, देखा ना एक बार, ये पूरी वहाँ से आती जा रही है, देखिए ये यहाँ से जा रही है पूरी। ये किसने पिलाया था दूध, किसके दूध की धार है ये, गाय के? ये सुरभि गाय, सुरभि गाय, सुरभि गाय पूंछड़ी के घने में। अच्छा थी। अच्छा अच्छा, तो मां से एक बछड़ा आ गया, बच्चा गाय दूध पीता पीता, अच्छा, तो सीधा चला आया। हाँ। तो वो सुरभि गाय का दूध की धार जे ध्यान से और मुखारबिंद तक है। अच्छा। और कहीं नहीं मिले, ये 21 किलोमीटर में दूध की धारा देते हैं, वो इसी के नाम से ही देते हैं। अच्छा, यही है वो धार, आज भी बनी हुई है इसी प्रकार से, आप देखिए पूरा इसी प्रकार से दूर दूर तक ये बनी हुई, इस मंदिर तक जा रही है यहीं से। चलिए और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। देखो भैया जी, इंदुर धवन, देव धवन, नाग धवन जी, गिरिराज जी में जब इंद्र आयो माफी मांगने के लिए, हाँ, तो अपने तीन बुलायो सखा सखा, तो इंद्र धवन, देव धवन, नाग धवन ये तीनों देव हैं। अच्छा। ये अपने ब्रज की रक्षा करने वाले हैं। अच्छा। और यहाँ जो आएगा तपस्वी, वो यही भगवान रोक देते हैं गिरिराजा बा। अच्छा, ये, हाँ जी। और ये श्यामकरण घोड़े का पैर है, टाप है ये। अच्छा, सही है। जब इंद्र आयो माफी मांगने के लिए, एरा बताती श्यामकरण घोड़ा सुरभि गाय, तो गाय के दिखाई दिए, जे घोड़े का है। अच्छा। और अभी एरा बताती का दर्शन कराएंगे। चलिए, एरा बताती इंद्र का तो हाथी था, हाथी था इंद्र का, इंद्र का हाथी, सुरभि गाय का मुख भी दिखाएंगे। अच्छा। सुरभि गाय का पूरा चेहरा भी दिखाएंगे, सुरभि गाय का पूरा चेहरा, तो देखते हैं। जे एरा बताती का चरण है। अच्छा, आगे का पैर। हाँ, ये पूरा आगे का पैर है इतना बड़ा। अच्छा। और जे घुटना है अगड्डी का, ये वाला जे घुटना है, आगे घुटना। और जे सुरभि गाय बैठी हुई है, देखो जी बैठी, बिल्कुल इस पर सुरभि गाय बैठी हुई है, ये वाली बैठ वाली है। हाँ, सफेद वाली सुरभि गाय सेम बैठी है। हाँ, सही है। तो आइए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। अच्छा, ये सुरभि गाय का मुख है, ये सुरभि गाय का मुख है। अच्छा, देखो भैया, ये मुँह है, ये मुँह है, ये मुँह है। हाँ, सही है। ये माथा है, ये नेत्र है, देखो स्पष्ट, ये नेत्र, और जे सींग है, जे ये सींग है, जे कान है, दो कान, ये कान है, और जे माथा है, ये माथा है। यहाँ पे इंद्र ने आके 7 दिन 7 रात बरसात हो रही, तो यहाँ पे इंद्र ने आके माफ़ी मांगी, यहीं क्षमा याचना मांगी, फिर यहाँ पर गिरिराज जी का पूजन करा, वो श्री कृष्ण भगवान का पूजन किया, श्री कृष्ण भगवान का पूजन करके फिर आटू आटू 56 तरह का वो यहाँ से और मान तक लगाया। तो जब ही यहाँ पर इंद्र ने क्षमा याचना मांगने से ही बरसात ग्रह मरे सब खत्म हो गया। बोल गिरिराज धरण की जय, आज के आनंद की जय। तो ये आपको एक बार अंदर से दिखाए थे मंदिर किस प्रकार से बना हुआ है, और यहीं पे 56 भोग लगाए थे गिरिराज जी महाराज को, कृष्ण भगवान को, इंद्र भगवान ने इसी जगह लगाए थे कृष्ण भगवान को भोग, 56 भोग लगाया गया था यहाँ पर। और ये मंदिर है, अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और ये गोबर, और ये गोवर्धन की परिक्रमा में पड़ता है ये। हाँ, कौन सी जगह पड़ता है ये? बड़ी परिक्रमा पड़ता है सुरभि कुंड, सुरभि कुंड, सुरभि कुंड में पड़ता है, भीतरली परिक्रमा में। अच्छा, अंदर बड़ी वाली, बड़ी वाली परिक्रमा। हाँ। और अंदर की परिक्रमा जो तलैटी की परिक्रमा है। अच्छा। वो उसी में ये इंद्रमान भंग का मंदिर पड़ता है। अच्छा। लोक लोक दाऊ जी का मंदिर पड़ता है। हाँ। ये दोनों मंदिर एक ही साथ है,
दस दस मिनट का फर्क है अच्छा। रास्ते का और यहाँ सुरभि नाम से कुंड बना है, बना हुआ है सही। और निशान वगैरह सब इसी जगह हाँ, है इसी जगह है। इस जगह का नाम है जतिपुरा, जतिपुरा पुंचरी के बीच में सुरभि कुंड है, एक बहुत बड़ा सुरभि कुंड है। तो वहाँ पे 56 भोकनी जगह बोले, 56 भोकनी जगह बोले, लुकलुक दाऊ जी बोले, वह स्थान का नाम जे है। अच्छा, यही वो स्थान है जहाँ पे 56 भोग लगाए गए थे भगवान श्री कृष्ण को, जब इंद्र भगवान आए थे उनको मनाने के लिए, नाराज हो गए थे। हाँ, तो वो यही जगह है, वो यही जगह। अच्छा, तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? आज आपको हमने भगवान श्री कृष्ण के होने के सबूत दिखाए, आपको हमने गोवर्धन पर्वत दिखाया, उस पर काफ़ी सारे निशान हैं वो सारे दिखाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।